भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। एनएच चंडीगढ़ मनाली पर बागी बिनौना के पास विपरीत दिशा से आ रही दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई, लेकिन गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ट्रक चालक के अनुसार यहां पर सड़क के किनारे और गाड़ियां खड़ी थी, जिस कारण यह हादसा घटित हुआ है। इस हादसे के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। उन्होंने कहा कि अगर यहां पर ट्रक खड़े नहीं होते तो यह हादसा नहीं होता। इस हादसे में एक ट्रक चालक को चोटें पहुंची है। इस संदर्भ में ट्रक चालक ने मामला दर्ज करने के प्रति पुलिस को सूचित कर दिया है। इस दुर्घटना से पीड़ित दोनों ट्रक चालकों ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि सड़क के किनारे दोनों ओर वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाए, सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। वाली साइड गाड़ी खड़ी हुई थी, उधर मैंने ध्यान नहीं दिया है, वो ये गाड़ी वाला लेके बीच में आ गया है, और उसने भी मेरी गाड़ी गार्डन थी उसमें, ये बीच में ही आ गया। फिर 12/76/96 बंद करो, पहला काम है कोई सीमेंट लेके, कोई सरिया लेके, कोई कुछ लेके। ये मेरी गाड़ी है HP 9789, तो मैं बरमाना से भर के कीर्तपुर के लिए जा रहा था, तो यहाँ इधर गाड़ी खड़ी थी, यहाँ 5-6 गाड़ी खड़ी थी पीछे से लेके आगे तक, तो मैंने थोड़ा सा इधर को दबाया, मैं चल मैं निकल जाऊँगा। ऊपर से ये ट्राला आ गया और इसको पता नहीं इसको क्या, उसकी ब्रेक नहीं लगी और थोड़ा मेरे समय आगे में टच होगी गाड़ी। तो यही मांग करता है कि सिर्फ ये एक दो गाड़ी इस रास्ते से बड़ी मुश्किल से गुजरती है, ठीक है जी, तो मांग ये कही है कि साइड में गाड़ी न मत खड़ी की जाए। हाँ जी साहब, हमें 5-4 गाड़ी की लाइन लगी थी जब पीछे से लेके आगे तक, वो जब हादसा हुआ किसी ने हमें निकाला नहीं, सब अपनी अपनी गाड़ी लेके भाग गए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।